आपको अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। देखिए आपने अंबानी अंबानी की शादी देखिए, 10 करोड़ रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के लहंगे, दुनिया के सारे फिल्म स्टार, नाच गाना डांस, रायबरेली वाला डांस नहीं, हाँ वो पैसे से खरीदा वाला डांस, बात सही की आपने। तो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा, अदानी का चेहरा, अंबानी का चेहरा, अब आप पूछोगे भाई ये हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। अदानी का, अंबानी का, ऐसे 20 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? कोई नहीं जानता, आम आदमी नहीं जान सकता, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा इकट्ठा करो, वो 16 लाख करोड़ रुपए है। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। स्टेज पे यहां पे 22 लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जो हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना धन रखते हैं, और उनका कर्जा माफ हो रहा है। वो टीवी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को टीवी पे लाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ, 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है ये? ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी, कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है, 4,000 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते पे मैंने किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा, आप क्या चाहते हो? और हिंदुस्तान के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं? 3 जवाब मिले। युवाओं ने कहा बेरोजगारी, किसानों ने कहा हमें सही दाम नहीं मिलता, मजदूरों ने कहा हमें कम पैसा मिलता है, और महंगाई। ये हैं मुद्दे।